मोनोलाइथिक आईसीज, यानी ये हमारा जो इंटीग्रेटेड सर्किट है उसकी क्लासिफिकेशन है। इसको डिफरेंट टाइप से ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिकेशन जो उसकी टेक्निक्स है तो उन्हें डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में, जिसे जिसमें से एक क्लास ये है जिसे मोनोलाइथिक आईसीज बोलते हैं। इसमें जो मोनो वर्ड है उसका मतलब है सिंगल, और जो लाइथोस वर्ड है उसका नाम है स्टोन। जो मोनोलाइथिक सर्किट है वो उसका यानी कि जो कंप्लीट मतलब है उसे कहते हैं सिंगल स्टोन या सिंगल क्रिस्टल, क्योंकि इसमें जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक्टिव कंपोनेंट्स, पैसिव कंपोनेंट्स, वो इंटरकनेक्टिंग होते हैं एक सिंगल चिप में। और ये पर यूनिट कॉस्ट जो इसकी होती है वो लो होती है, और हाई ऑर्डर इसकी रिलायबिलिटी होती है, इसीलिए इसको ज्यादातर प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है। ये टू टाइप्स की होती हैं, यानी कि टू टाइप्स इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। एक है प्लास्टिक पैकेज मोनोलाइथिक आईसीज, प्लास्टिक पैकेज जो कि कुछ इस तरह से दिखती हैं। ये जो आईसी होती है, ये जो सेंटर पार्ट है, ये शो करता है हमारा सिलिकॉन चिप जिसमें सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो टॉप पे होती है और सिलिकॉन की बनी होती है। और ये होती हैं वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स जो कि चिप के साथ कनेक्टिंग करती हैं, और ये शो करती है इसकी टर्मिनल पिन्स। ये तो प्लास्टिक पैकेज मोनोलाइथिक आईसी है। जो ये मोनोलाइथिक आईसीज होती हैं इनकी मास प्रोडक्शन होती है, और क्योंकि इनकी मास प्रोडक्शन की वजह से कि जो कॉस्ट होती है वो कम होती है, उनकी रिलायबिलिटी होती है हाई होती है। जो दूसरी तरह की जो इसको मैन्युफैक्चरिंग होती है वो कैन टाइप की होती है, जिसे कैन टाइप एनक्लोजर मोनोलाइथिक आईसी बोलते हैं। ये इस तरह से कुछ एक कैन सर्कुलर शेप में होती है, और ये क्या होता है, इसमें ये जो सेंटर है ये सिलिकॉन चिप शो करती है, सिलिकॉन चिप होती है, इसमें सारे कंपोनेंट्स होते हैं, और ये हमारी वायर्स होती है, कनेक्टिंग वायर्स जो कि सारे कंपोनेंट्स से जो जुड़ी होती हैं, वायर्स होती हैं ये हमारी चिप के साथ जो जुड़ी होती हैं, और ये शो करता है हमारा बेस जिसके ऊपर ये सारे जो हमारी वायर्स और चिप है वो कनेक्टेड होती है, और ये शो करता है हमारा इंसुलेशन, ये इंसुलेशन शो करते हैं, और ये हमारे टर्मिनल पिन्स होती हैं। ये इस तरह से ये कैन टाइप में होती है, इसलिए इसे कैन टाइप बोला गया है। इसका यूज एम्पलीफायर्स, वोल्टेज रेगुलेटर्स, एएम रिसीवर्स, टीवी सर्किट्स और कंप्यूटर सर्किट्स में किया जाता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। इसकी जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये हैं कि इसकी जो आइसोलेशन होती है कंपोनेंट्स की, जो इसमें एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच में जो आइसोलेशन होती है वो पुअर होती है, यानी कि बहुत सेंसिटिव होती है। और इसमें जो फैब्रिकेशन होती है इंडक्टर्स की वो पॉसिबल नहीं है, उनकी पॉसिबिलिटी नहीं होती, और स्मॉल रेंज वैल्यू होती है पैसिव कंपोनेंट्स की, यानी जो पैसिव कंपोनेंट जो कि आईसी में यूज किए गए हैं उनकी स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यू होती है। नेक्स्ट, इसमें लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी कि अगर सर्किट में कोई प्रॉब्लम आ जाए या वेरिएशन आ जाए तो हमें क्या करना पड़ता है, न्यू सेट यूज करना पड़ता है, मास्क करना पड़ता है, न्यू सेट मास्क की जरूरत पड़ती है। यानी ये नहीं है कि जो कंपोनेंट खराब है तो हमने वो कंपोनेंट निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, न्यू सेट मास्क की इसमें रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी लो पावर रेटिंग होती है, इसलिए इसका यूज लो पावर एप्लीकेशंस में किया जाता है। ये है हमारे जो मोनोलाइथिक आईसीज हैं उनके ड्रॉबैक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आप और वीडियोस के लिए हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।